नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं जगदीश चंद्र जांगिड, योर फैकल्टी फॉर द जीएस एंड द करंट अफेयर्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जो कि आपके करंट और स्टैटिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे राजस्थान की हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपके पास में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जो अभी हाल ही में एक जजमेंट्स आया है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को किस तरीके से यहाँ पे उचित ठहराया गया है, उस पर बेसिकली हम बात करेंगे। और खाली करंट पे ही नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी तमाम एमसीक्यूज बन सकते हैं। और इस क्लास को पढ़ने के साथ साथ में आपको यह चीज भी एनालाइज करते हुए एहसास हो जाएगा कि आप एक टॉपिक के ऊपर खाली प्रिलिम्स एंगल से नहीं, मेंस एंगल से भी बेसिकली जो है उसको आंसर राइटिंग कर पाएंगे। पूरे सारगर्भित तरीके से एक माइंड मैप आपके सामने लिखा आया हूं। आई होप आप पेन और पेपर साथ में लेते हुए इस क्लास को पढ़ेंगे, ताकि जब आपके फ्लो नोट्स बनेंगे तो आपको पढ़ाई में एक कहीं कहीं रिकरेक्शन जो है वो और भी बेहतर हो पाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है आज की क्लास का जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी जो है हमारे पास में रिजर्वेशन तीन कैटेगरी को दिया जा चुका था। 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया जा चुका है। फिर आपके पास में एससीज हैं, एसटीज हैं, है ना, इस तरीके से आपके पास में जो है वर्टिकल डिविजन दे रखा है रिजर्वेशंस को लेकर। अब उससे बाहर कहीं कहीं आपके पास में ये चीज कहा गया कि सर इस रिजर्व्ड कैटेगरी के अलावा भी कई जो ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उन लोगों के अंदर भी जो है वीकर सेगमेंट्स हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, हमें उनको भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा में, जो कि अपने आप को जो है आर्थिक रूप से बेसिकली वह बेटर कर पाए और एट द सेम टाइम मेन स्ट्रीम से जोड़ पाए उनको, उनको कहीं कहीं फोर फ्रंट लाइन तक हम लेके आ सके एजुकेशन वाइज। ठीक है ना, तो यहाँ पे EWS की बात की गई। EWS कैटेगरी में बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों, EWS के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे 10% जो है आरक्षण की बात की गई है। किनको दिया जाएगा? कोई भी ओबीसी कैटेगरी का आदमी ये रिजर्वेशन नहीं ले सकता, कोई भी एससी स्केड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं ले सकता, कोई भी स्केड्यूल ट्राइब का व्यक्ति ये रिजर्वेशन नहीं ले सकता। मतलब नॉन ओबीसी, नॉन एससी और एसटी के लिए बेसिकली यह रिजर्वेशन लागू होगा। मतलब कुल मिलाकर जो अनरिजर्व्ड या फिर जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट है वह इस रिजर्वेशन को प्राप्त कर पाएगा। और यहां पे यह याद रखना है कि वह आर्थिक तरीके से, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, इसका क्या बेसिकली मापदंड होगा आपके पास में? तो गवर्नमेंट इसके अंदर बेसिकली ये कहती है आपको कि सर एनुअल फैमिली इनकम को बेसिकली देखा जाएगा। मतलब अगर मैं मेरी बात करूं, मेरी व्यक्तिगत आय नहीं, मेरी फैमिली में सपोज मेरे पिताजी हैं, मेरा भाई है, अगर मेरे स्पाउस है, अगर मेरे बच्चे हैं, तो उन सबकी आय क्लब करके बेसिकली सालाना 8 लाख से नीचे है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आर्थिक कमजोर वर्ग के अंदर में आ सकता हूं, अदरवाइज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेरे को नहीं मिलने वाला 10% का रिजर्वेशन। अच्छा, खाली यहां पे आर्थिक आय ही नहीं, आर्थिक आय के अलावा, फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे होने के अलावा, आपके पास में अगर 5 एकड़ एग्रीकल्चर जमीन से नीचे जमीन है तब तक ठीक है, 5 एकड़ से ज्यादा है तो यू आर नॉट इकोनॉमिकली वीकर। आपके पास में अगर रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का आपके पास में रिहायशी जमीन है जहां पे आप रहवास कर सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं, तो भी आप इकोनॉमिकली वीकर नहीं है। या फिर आपके पास में 100 स्क्वायर यार्ड्स का रेजिडेंशियल प्लॉट है, मतलब आपके पास में प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड का आपके पास में नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया के अंदर, तो भी आप क्या नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली वीकर नहीं है। 200 स्क्वायर यार्ड का बेसिकली आपके पास में किसी भी और एरिया जो नोटिफाइड म्युनिसिपल नहीं, और म्युनिसिपल के अलावा, म्युनिसिपल के बाहर कोई भी एरिया जहां पे 200 स्क्वायर यार्ड की जमीन आपके पास में, स्टिल यू आर नॉट इकोनॉमिकली वीकर। तो खाली यही क्राइटेरिया नहीं, मतलब 8 लाख का जो क्राइटेरिया हम सबको पता होना चाहिए, 1971 के अंदर आपके पास में एक कमिटी बैठी थी, कमिटी का क्या नाम है, संथानम कमिटी। क्या नाम है? संथानम कमिटी। इन्होंने बेसिकली ओबीसी के अंदर बेसिकली किसको रिजर्वेशन दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, उसके लिए उन्होंने कहा था कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में हर व्यक्ति आर्थिक दृष्टिकोण से वीक नहीं है, तो जो वीक नहीं है वो टॉप लेयर में है, क्रीमी लेयर के अंदर है, यह इसका मापदंड, इसका पैमाना होने वाला है आपके पास में क्रीमी लेयर कंसेप्ट। उन्होंने लगाया था कि सर 8 लाख से ज्यादा बेसिकली जो है हाउस होल्ड अगर इनकम है तो वह क्रीमी लेयर है, 8 लाख से नीचे वाला नॉन क्रीमी लेयर। तो अभी ओबीसी रिजर्वेशन किसको मिलता है? नॉन क्रीमी लेयर को। तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये कंसेप्ट कौन लेकर आया? 1971 में संथानम कमिटी। और यही से बेसिकली हमने ये कंसेप्ट उठा करके यहां पे भी अप्लाई किया है। कैन यू सी दैट? Can you see that over here? तो EWS क्या है ये चीज समझ में आए। तो यह बेसिकली रिजर्वेशन देने के लिए कहीं ना कहीं हमको संवैधानिक प्रावधानों को बदलना पड़ा होगा। यस सर। तो
तो यहां पे हमने किया 103वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नंबर 103 जो था 2019 में, उस वक्त के तात्कालीन देन इनकम्बेंट फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे अरुण जेटली जी। कौन थे? अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी बेसिकली जो है इस संविधान संशोधन को बेसिकली पार्लियामेंट के पट के ऊपर लेके आते हैं और इन्होंने कहा कि सर हम 10% कोटा देंगे इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट को एजुकेशन के अंदर और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एजुकेशन के लिए दिया जाएगा और कहां पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी दिया जाएगा। अच्छा, यह याद रखने की कोशिश करना कि ये जो ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट है यह किस कमीशन की सिफारिश से आया। ईडब्ल्यूएस का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट को यहाँ 10% रिजर्वेशन देना चाहिए। यहाँ पे जो मिलिट्री के बहुत ही सीनियर अधिकारी थे, इनका नाम था आपके पास में सिन्हो, ब्रिगेडियर सिन्हो, और इन्हीं ब्रिगेडियर सिन्हो की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था, सिन्हो कमीशन। सिन्हो कमीशन की रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि सर हमें 10% रिजर्वेशन देना चाहिए किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट को भी। याद रखेंगे इससे पहले जो भी बेसिकली दिया जा रहा था वो सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड पे दिया जा रहा था, जैसे कि एससीज और एसटी को सोशल बैकवर्डनेस के लिए दिया जा रहा है ना, ओबीसीज को सोशल एजुकेशन बैकवर्डनेस के लिए दिया जा रहा है। पहली बार इतिहास में ऐसा होता है कि कहीं कहीं इकोनॉमिक टर्म यूज होती हैं, आर्थिक टर्म यूज होती हैं, आर्थिक मापदंड यूज किया जाता है कि सर इनको रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। जिस वर्ष माननीय अरुण जेटली जी यह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस सेगमेंट के लिए रिजर्वेशन लेके आया 10%, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट अपनी एक टिप्पणी देता है, ऑब्जर्वेशन देता है, और उस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो कहते हैं, ऑनरेबल जस्टिसेस कहते हैं कि रिजर्वेशन इज नॉट द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यू कैन नॉट जस्ट बेसिकली गिव इट टू ईच एंड एनीवन हु इज पुअर इन द सोसाइटी। आप ओवरऑल सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करो कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड हर एक के बढ़े। आप ऐसा नहीं कर दो क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग पुअर है तो उनको रिजर्वेशन दे दो। रिजर्वेशन जो है गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, गरीबी उन्मूलन कार्य नहीं है। आप रेवड़ी की तरह हर एक को बांटते हुए चलो, इससे आपको फायदा होगा क्योंकि 2019 याद करो इलेक्शन ईयर है और उसके कारण बेसिकली आपको क्या रहेगा, वोट पड़ेंगे आपके फेवर में। तो इस कारण बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली कई PILs लिटिगेशंस वगैरह गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट टिप्पणी भी दे डाली उस वक्त के आप इसको लिख सकते हैं अपनी मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग के अंदर, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस के टाइम में लिख सकते हैं आप क्रिटिकल नोट के अंदर के सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दैट रिजर्वेशन इज नॉट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। जो आपके पास में आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तरह सरकार यूज नहीं कर सकती कि इस क्षेत्र में इस कम्युनिटी में गरीबी है रिजर्वेशन नहीं डालो। आप उसका सर्वांगीण, आप उसका होलिस्टिक जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। वापस आते हैं ईडब्ल्यूएस के ऊपर। तो यहां पे हमने कहा कि 103वां संविधान संशोधन किया, पर उस संविधान संशोधन में हमने बेसिकली किया क्या? उस संविधान संशोधन से दोस्तों हमने संविधान के अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दो कॉन्सेप्ट और जोड़े। देखिए, जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उनको हमने नहीं छेड़ा कहीं भी। हम तो ये कह रहे हैं कि सर हम नॉन एससीज, नॉन एसटीज, नॉन ओबीसीज को 10% जो इकोनॉमिकली वीकर है उनको पब्लिक एजुकेशन के लिए और पब्लिक जॉब के लिए 10% रिजर्वेशन देंगे। तो एजुकेशन के लिए जो रिजर्वेशन देना था उसके लिए हमने क्लॉज ऐड किया आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के अंदर। फिर हमको पब्लिक जॉब्स के जो अंदर देना था उसके लिए आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ऐड किया गया। तो यहाँ पे यह चीज याद रख लेंगे। और एजुकेशन में यहाँ पे एक एक्सेप्शन रखा गया कि आपको जितने भी एडमिशंस दिए जाने हैं ईडब्ल्यूएस के थ्रू वह माइनॉरिटी एजुकेशन सेंटर्स पे नहीं लागू होगा। आप कोई मदरसे में जाकर के नहीं कह सकते कि मेरे को यह एडमिशन दिला दो, या फिर आप पर्टिकुलर कोई रिलीजियस एजुकेशन सेगमेंट के अंदर माइनॉरिटी एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर या कॉलेजेस या स्कूल्स में जाकर नहीं कह सकते ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे दो। तो एक्सेप्शन रखा गया है उसको, यहाँ पे यह चीज याद रख सकते हैं। कैन यू रिमेंबर 15-6 इज फॉर एजुकेशन, 16-6 इज फॉर जॉब। शैल यू रिमेंबर दैट एग्जैक्टली? तो क्रिमिलियर कंसेप्ट कहां से आया, कौन से नंबर संविधान संशोधन था, ईडब्ल्यूएस की सिफारिश कौन से कमीशन ने की थी, कौन से वर्ड्स में लाया गया था, आपके पास में कौन सा सेगमेंट जो है इकोनॉमिकली वीकर कहलाएगा, क्या एससीज एसटीज और ओबीसी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अब ये तो 2019 की सारी बातें हैं जो पिछले 3-4 वर्षों से मुख्य न्यूज़पेपर्स के प्रश्न पटल पे देखने को मिली है। पर अब हमारे पास में ये चीज पढ़ने को क्यों आई है, क्योंकि सर अभी हाल ही गत वर्ष 2022 के अंदर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जनहित अभियान वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर बेसिकली इस ईडब्ल्यूएस को क्वेश्चन किया गया कि सर जो इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट जो है आपके पास में ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया जो दिया गया है यह क्राइटेरिया गलत दिया गया है, क्यों नहीं इसमें एससीज को एसटीज को और ओबीसीज को भी दिया जा सकता है क्योंकि उसमें भी तो कोई जो है आपके पास में कमजोर तबका है, तो व्हाई नॉट वी आर गिविंग इट
टू देम एज वेल. तो ओबीसी और एससी और एसटी के साथ में इस तरह का यहाँ पे दोहरा, हाँ एक तरीके से हाँ क्यों किया गया है मिसट्रीटमेंट. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए बोला ऑनरेबल बेंच ने कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, संविधान की कोई बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे वायलेट नहीं हुई है. अगर आप इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ऐसा कोई चीज ब्रीच नहीं हुआ है. यहाँ पे ईडब्ल्यूएस तो एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है. ईडब्ल्यूएस तो क्या है, ऑल टुगेदर एक नई कैटेगरी बनाई गई है. यहाँ पे आपके पास में जो एक्सक्लूजन रखा गया है एससी एसटी और ओबीसी को, क्योंकि इन तीनों कैटेगरी को ऑलरेडी तो हमने दे रखा है रिजर्वेशन, तो वाई टू गिव अनदर 10% रिजर्वेशन टू देम, तो यह तो गलत हो जाएगा. तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन यहाँ पे डेवलप किया गया है, डबल बेनिफिट नहीं मिले. आई तो आप 27% रिजर्वेशन जो है नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी ले ही रहा है, फिर 10% रिजर्वेशन और ले ले ईडब्ल्यूएस में. तो इसीलिए बेसिकली ऑल टुगेदर ओबीसी कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वंचित रखा गया. तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल है और जो रिजर्व क्लासेस है, जो रिजर्व कैटेगरीज है, उनको डबल बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, दोहरा लाभ नहीं मिलना चाहिए कि वो एससी एसटी का तो रिजर्वेशन ले रहे साथ में ईडब्ल्यूएस का 10% भी ले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास में, ठीक है ना. सो दे आर कम्युनिटी. देखो एससीज है एसटीज है, ये तो क्या है कम्युनिटी है, क्या है आपके पास में समुदाय विशेष है. ओबीसी है ये समुदाय विशेष जाति विशेष है, जबकि ईडब्ल्यूएस है वो तो एक इंडिविजुअल के लिए है ना. जैसे मैं ब्राह्मण समुदाय में कह दूं, हर कोई व्यक्ति तो कोई बिलियनर मिलियनर लखपति करोड़पति नहीं है. कोई ब्राह्मण होंगे आपके पास में जो आर्थिक तरीके से भी बेसिकली जो है आपके पास में सबल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं पूरे के पूरे जनरल कैटेगरी के अंदर जो भी क्षत्रिय आ गए जितने भी ब्राह्मण आ गए मैंने सबको रिजर्वेशन दे दिया. याद रखना ईडब्ल्यूएस यह इंडिविजुअल स्पेसिफिक है. हो सकता है आपके पास में मैं मेरी आय जो है 8 लाख से नीचे है फैमिली इनकम और इस इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट में मैं फिट हूं तो मेरे को रिजर्वेशन मिलेगा. पर वही हो सकता है मेरा एक डिस्टेंट रिलेटिव जो मेरी ही कास्ट से बिलोंग करता है, मेरी ही जाति से बिलोंग करता है, बट हिज फादर having a very good business, millionaire है वो, तो उसको नहीं मिलेगा. उसके पास में कई बीघा जमीन है, कई उसके प्लॉट्स है, कई लैंड है उसके पास में, फैमिली इनकम लैक्स के अंदर है, तो नहीं मिलेगा उसको. 10 लाख 20 लाख 30 लाख फैमिली इनकम है, नहीं मिलेगा उसको. मेरी इनकम फैमिली इनकम भी 5 लाख से नीचे है, मेरे पास में है ही नहीं 5 एकड़ जमीन, 100,000 square feet जमीन या फिर 100 square yard जमीन है ही नहीं सर. तो हाँ अब मिल सकता. तो याद रखना यहाँ पे ओबीसी वाला रिजर्वेशन तो क्या हो गया आपके पास में नॉन क्रिमी लेयर में आ गए या एससी में आ गया एसटी में आ गए, फर्क नहीं पड़ता. तुम वहां करोड़पति भी एससी एसटी के अंदर हो ना, बट स्टिल यू विल गेट द रिजर्वेशन. ये कम्युनिटी स्पेसिफिक और ईडब्ल्यूएस क्या है इंडिविजुअल स्पेसिफिक है. समझ में आया आपको बात? तो दोनों ही अलग है, एक कम्युनिटी स्पेसिफिक था और एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक है. तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें कहा कि सर बिल्कुल सही है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज राइट, इट इज करेक्ट, ईडब्ल्यूएस इज फॉर द इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी. अब यहां पे एक और चीज आती है, इंदिरा स्वाहने जजमेंट 1992 में, 1992 में इंदिरा स्वाहने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था और इंदिरा स्वाहने जजमेंट में बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन सेट होता है. उस माइलस्टोन में बेसिकली ये कहा गया था कि ओवरऑल जो भी आप एससीज एसटीज और ओबीसीज को जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, ओवरऑल जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वर्टिकल रिजर्वेशन का क्या क्या हुआ, मतलब मैं सोसाइटी को जो है अलग अलग उर्द्व खाचों में बांट दूं, एससीज एसटीज ओबीसीज जनरल, तो जो रिजर्व्ड क्लासेस है वो 50% से ज्यादा नहीं है. मतलब 100 सीट में से 50 सीट पे रिजर्वेशन हो, बाकी की 50 सीट पे तो ओपन कंपटीशन कराओ कम से कम. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो इंदिरा स्वाहनी जजमेंट में ये बोला गया था. फिर यहां पे बोला गया कि नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन, मतलब मैं एज ए एससी या एसटी या ओबीसी जॉब के लिए रिजर्वेशन ले सकता हूं, एक बार मेरा जॉब मेरा पीसीएस में या मेरा यूपीएससी में क्लियर हो जाएगा उस रिजर्वेशन बेनिफिट से, मार्क्स के बेनिफिट से. बट ऐसा नहीं कि मैं लगते ही बेसिकली जो है किसी को बेसिकली रिजर्वेशन के बाद में सिलेक्शन के बाद में प्रमोशन में भी जो है रिजर्वेशन लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है ना, इंदिरा स्वाहने जजमेंट ने सीधा बोला था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा और रिजर्वेशन की कैप होगी 50%. अभी मराठा रिजर्वेशन दिया गया था उद्धव ठाकरे के द्वारा इलेक्शन से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया, बोला इंदिरा स्वाहने जजमेंट का लैंडमार्क था, 50% कैप था, वो ब्रीच कर रहा था. आपको कहां जरूरत थी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ले जाने की, है ना? और अगर है तो कोई ऐसा कमीशन हो जिसकी सिफारिश हो कि सर वो वर्ग बहुत ही कमजोर है उसको रिजर्वेशन देना जरूरी है, और मराठा वर्ग को आप रिजर्वेशन दे रहे हो जो कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमी से लेकर के हर चीज में बेसिकली वहां पे डोमिनेंट है, तो कैसे आप एक डोमिनेंट कास्ट को वीकर कास्ट बता करके रिजर्वेशन दे रहे हो? आंख में धूल झोंकना हुआ, 50% कैप आपने ब्रीच कर दी. इंदिरा स्वाहने जजमेंट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्रॉस कर. तो यह है ईडब्ल्यूएस की पूरी केस लॉ की कहानी. कैसा लगा आपको जरूर बताएं कमेंट करके.
अब नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी। अब अदर बैकवर्ड क्लासेस भी हैं आपके पास में, ओबीसी जो रिजर्वेशन दिया गया है रिजर्वेशन की कहानी कब से शुरू होती है? शुरुआत से आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन की कहानी अगर मैं बात करूं आपके पास में, तो ब्रिटिशर्स के टाइम से बेसिकली जो कम्युनल अवार्ड वगैरह दिए जाते थे इलेक्शन के टाइम पे, है ना, इलेक्शन के टाइम पे कम्युनल अवार्ड हुआ करते थे कि मुस्लिम को मुस्लिम ही चुनेंगे, है ना, सिख को सिख ही चुनेंगे, एक कम्युनल अवार्ड हुआ करता था। वहां से शुरू हुई चीज धीरे धीरे बेसिकली क्या आ जाती है आपके पास में, पूना पैक्ट, गांधी जी और किसके बीच में हुआ था, अंबेडकर, और अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये चीज हुआ कि अलग से जो हमारा कमजोर वर्ग है, एससी से एसटीज है, हरिजन है, इनको अलग से जो है कम्युनल अवार्ड नहीं मिले, जबकि ओवरऑल इलेक्टोरेट में इनकी कुछ सीट क्या कर दी जाए, रिजर्व कर दी जाए। तो कहीं कहीं रिजर्वेशन का ये पॉजिटिव अफर्मेशन का कंसेप्ट वहां से शुरू कर दिया जाता है। फिर आती है आजादी का समय और संविधान सभा का समय, और जब संविधान सभा बनने बैठती है और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, माननीय बीआर अंबेडकर, भारत के पहले कानून मंत्री, और उनकी अध्यक्षता के अंदर ही बेसिकली ये चीज सुनिश्चित की गई कि सर आरक्षण इनको दिया जाना चाहिए, तो वहां पे आरक्षण दिया जाता है। किस वर्ग को दिया जाता है, एससीज और एसटीज को दिया जाता है। शुरुआत में आरक्षण एक तरह की अस्थाई व्यवस्था थी, जिससे कि बेसिकली भारत के अंदर जो कमजोर तबका जो है, जिसको मैं बेसिकली इस तरीके से कहता हूं, जो शूद्र वर्ग है या फिर एससी या एसटी वर्ग जो है, उसको मुख्य धारा मेन स्ट्रीम के साथ में जोड़ने के लिए व्यवस्था का इजहार किया गया था। शुरुआत में यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए अप्लाई गई थी, और जैसे जैसे बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल गया कि अब हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर नंबर मैटर करता है, वोट मैटर करता है, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उस रिजर्वेशन को वापस हटाने की, उस रिजर्वेशन को हर 10 साल या हर 20 साल बाद में संविधान परिवर्तन या संविधान संशोधन के द्वारा उसकी डेडलाइन और आगे बढ़ाई जा सकती है। अभी हमने देखने की कोशिश की कि वर्तमान में जो रिजर्वेशन में है उसको भी 2026 तक आगे और बढ़ाया जा चुका है, मतलब अभी भी संविधान संशोधन के द्वारा ही हर बार जो है रिजर्वेशन, जो कि एक अस्थाई प्रस्ताव का प्राविधान था, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हर एक समाज का व्यक्ति चाहेगा कि उसको रिजर्वेशन मिले, उसको नौकरी मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, और हर एक समाज के अंदर लाखों करोड़ों वोट हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी समाज या किसी कम्युनिटी विशेष के खिलाफ नहीं जाना चाहती, उनसे उनका रिजर्वेशन नहीं छीनना चाहती, तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। अब एससी एसटी का रिजर्वेशन तो हमने देखने की कोशिश की कि भारत की आजादी के साथ ही कहीं कहीं जो है 10% के आसपास का सुनिश्चित कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम अब बात आती है कि खाली शूद्र वर्ग ही नहीं, आपके भारत के अंदर कई और वर्ग भी हैं जिनको अदर बैकवर्ड क्लासेस या वृहद दृष्टिकोण से जिनको जो है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है, कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी जो है पिछड़े वर्ग है। अब इन वर्गों के अंदर भी बेसिकली क्या है, आपको कई लोग जो है आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े देखने को मिलेंगे, जिनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जो उनकी दयनीय स्थिति है बेसिकली, भरण पोषण जो अपना ढंग से नहीं कर पाते, वो भी मुख्य धारा से कहीं के पिछड़े हैं, वो भी कहीं कहीं बिछड़े हुए मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी के ऊपर रहने वाले हैं, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पे आपके पास में पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन आता है 1953 में। काका कालेलकर जो है इनकी अध्यक्षता करते हैं, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, फर्स्ट बीसीसी के अंदर, और इन्हीं की रिकमेंडेशन के अनुरूप बेसिकली जो है आपके पास में क्या देना जाना शुरू हुआ, आपके पास में रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। बट याद रहे, इनकी जो भी रिकमेंडेशन जो थी 1953 के अंदर, उनको एग्जैक्टली उस वक्त इंप्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद में आता है सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो होता आपके पास में बीपी मंडल की अध्यक्षता के अंदर, माननीय बीपी मंडल की अध्यक्षता के अंदर। बीपी मंडल कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन था, यह कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है, और सभी को यह चीज के बारे में पता होना चाहिए। 1979 के अंदर बेसिकली ये कमीशन बनता है, गठित किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे भारत के अंदर ओबीसी या फिर जिसको मैं कह दूं बैकवर्ड क्लासेस को स्टडी करता है, उनकी नीड्स को, उनकी स्टैट्स को, उनकी संख्या को, और वर्तमान में कितना उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, उनके अनुसार बेसिकली जो है आपके पास में 27% रिजर्वेशन की यहाँ पे बात होती है। उस वक्त जब 1980 के आसपास में बीपी मंडल ने अपनी कमीशन की रिकमेंडेशन और फाइंडिंग्स जो सबमिट की गवर्नमेंट को, पर उस वक्त मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता है। एक दशक के पश्चात ऑलमोस्ट जो है 1992 के अंदर हम देख पाते हैं कि जब आपके पास में गवर्नमेंट आती है, वो 19 आपके पास में क्या लेके आती है, 27% रिजर्वेशन लेके आती है ओबीसी के लिए। यहाँ पे संविधान के अंदर अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 ऐड किया जाता है, और इस परिवर्तन के साथ में बेसिकली क्या किया जाता है, 27% रिजर्वेशन दिया जाता है अदर बैकवर्ड क्लासेस को। एट द सेम टाइम फिर आता है आपके पास में, हमने पढ़ने की कोशिश की थी संथानम कमेटी, जो बेसिकली बताती है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, उसी कमिटी की कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहीं सही पाया, पर सुप्रीम कोर्ट इंदिरा स्वामी जजमेंट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है,
क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया इन्वोक करता है कि सर आप ये 27% रिजर्वेशन जो दे रहे हैं वो हर एक को नहीं देना है। याद रखने की कोशिश करना, अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी कई क्लासेस ऐसे हैं, उसी क्लास के अंदर एक ही जाति में कोई सबल भी है तो कोई निर्बल भी। आपको निर्बल को, जो इकोनॉमिकली वीकर है, जो नॉन क्रीमी लेयर है, उसको रिजर्वेशन देना है। तो यहाँ पे 1992 में जो यहाँ पे रिजर्वेशन लाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिमिट कर दिया ओनली टू द नॉन क्रीमी लेयर, जो वीकर सेगमेंट है, जो कि हमने अभी बेसिकली नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या क्राइटेरिया 8 लाख के आसपास में और भूमि से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है वो हमने जाने हैं और सीखे हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो अब हम वापस आते हैं ओबीसी। आज की तारीख में ओबीसी के साथ में क्या समस्या है पता है आपको? सबसे पहली बार भूल जाओ क्रीमी लेयर को। तो क्रीमी लेयर मतलब कौन सा? जो लोग बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, जॉब है, सब कुछ है, उनको छोड़ दो। अब हम नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर जाति की बात कर लेते हैं, हम कम्युनिटी जाति ए, उस जाति ए के अंदर भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। आदमी के पास में बेसिकली गाड़ी चला रहा है वो 20 लाख की और नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनाता है वह नगर पालिका से जाकर के 500 रुपए की घूस दे करके, यह सबको पता है। वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, सबको पता है। एंड ऑफ द डे वह आदमी जस्ट बिकॉज ओबीसी में आता है, डजंट मैटर के क्रीमी है या नॉन क्रीमी है, वो वहां पे चीटिंग कर जाता है, ठीक है ना। अब इसके कारण क्या होता है कि जो सबल है, जो उन व्यवस्थाओं का, जो उन अपॉर्चुनिटीज का, अवसर का सही लाभ सही समय पे उठा पाया, वो आगे बढ़ जाता है। और जो आदमी गांव में, दराज में, पीछे पिछड़े हुए में रह रहा है, मार्जिन ऑफ द सोसाइटी में रह रहा है, वो नहीं उठा पाता है। और इसी कारण बेसिकली क्या हो गया, उसी कम्युनिटी ए, जाति ए, ओबीसी की कम्युनिटी ए के अंदर दो वर्ग बन चुके हैं। आप अपनी जाति में देखिए, अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं या फिर आप किसी भी जाति में आ रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, किसी में देख लीजिए, आपकी जाति में ही दो वर्ग होंगे, एक बहुत कमजोर और एक बहुत प्रबल। हाँ है ना, एक बहुत कमजोर और एक बहुत ही प्रबल आपको देखने को मिलेगा। बहुत प्रबल क्रीमी लेयर, बहुत ही कमजोर नॉन क्रीमी लेयर। बट इसका क्राइटेरिया बीच का जो है वो खाली कागजों के अंदर सुनिश्चित है पर कहीं भी आपके पास में एग्जैक्ट नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इस ओबीसी के अंदर भी कई सैकड़ों जातियां, उन सैकड़ों जातियों में से भी कुछ जातियों को बेसिकली ऐसा हम कर दें कि सर उनको कम रिजर्वेशन दिया जाए। फिर कोई जातियां बहुत ही पिछड़ी ओबीसी के अंदर भी, तो मतलब ओबीसी में आने वाली 100, 200, 300 जितनी भी जातियां हैं, उन सभी जातियों को, सब कैटेगरीज को, कास्ट को बेसिकली हम क्या करें, फर्दर और डिवाइड करें। तो जो 27% आपको ब्लैंकेट रिजर्वेशन दिया गया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। पर उन छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांटे, किस तरीके से, किस सांख्यिकी, किस स्टैटिस्टिक्स के बेस पे, किस साइंटिफिक बेस के ऊपर उनको बांटा जाए, क्या धरातल की रियलिटी है? तो इसके ऊपर आपके पास में जो है जस्टिस रोहिणी कमीशन की स्थापना की जाती है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में। और 2017 में बेसिकली यहाँ पे जो है उनको बोला जाता है कि आप आराम से स्टडी कीजिए कि जो ओबीसी हैं उसको हम किस तरीके से आगे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है उनको ये पावर होती है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, आर्टिकल 340 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी हैंड और सील के अंतर्गत एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना, जो इन्वेस्टिगेट करेगा एससीबीसीज की कंडीशंस को। एससीबीसीज ओबीसीज, वही बात हुई, सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, सामाजिक और शैक्षणिक तरीकों से पिछड़ा हुआ समुदाय, उसको उसकी वस्तु स्थिति को जांचने के लिए, परखने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे ये बात करता है, ये चीज भी हमको समझ में आ गई। सर जस्टिस रोहिणी कमीशन 2017 प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब इस कमीशन को अपनी जांच देनी थी लगभग 2019 के आसपास में, एक्सटेंशन मिलता है कि सर हम अभी तक पूरा पढ़ नहीं पाए हैं, रिसर्च नहीं कर पाए हैं, फिर कोविड आ जाता है, वापस चीजें खराब होती है, 2020, 21, 22, 23 अभी चल रहा है, 2017 से 23 मतलब 6 साल से जस्टिस रोहिणी कमीशन इसी चीज को स्टडी कर रहा है। और इस बार 14th इसको क्या दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया, वापस 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, साल भर के लिए इनको और टाइम बढ़ा दिया जाता है। और ये एक्सटेंशन के साथ में क्या करते हैं, इनको और टाइम चाहिए, देखने की कोशिश करना पूरे भारत में लागू होगी वो व्यवस्था, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी। कोई मजाक नहीं है कि आपने एक एरिया को पढ़ लिया और बता दिया, आप कश्मीर से कन्याकुमारी ले लो, नॉर्थ से ईस्ट से लेकर के वेस्ट ले लो, पूरे भारत में ये चीज लागू होने वाली है। तो यहाँ पे यही चीज के बारे में 2015 के अंदर एनसीबीसी करके एक और आपके पास में व्यवस्था है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, है ना, पिछड़ी जातियों का राष्ट्रीय आयोग। अब यह राष्ट्रीय आयोग जो है इसकी स्थापना 1993 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी की जाती है बाय द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट 1993 के अंदर। इसी को ही बेसिकली जो है अभी हाल ही में हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का भी दर्जा दिया 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप सभी को जानने को मिला होगा कि एनसीबीसी जो है अब क्या है, एक
संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 102वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा अनुच्छेद 338 बी जो है वह ऐड किया गया है। तो इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी की जगह, पार्लियामेंट के द्वारा बनेगी बॉडी की जगह, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट दे दिया गया। नाउ इट इज हैविंग मोर पावर एंड मोर ऑटोनॉमी, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी क्या होगा, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, तीन मेंबर होंगे, पांच मेंबर होंगे, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। उन्होंने भी 2015 के अंदर बेसिकली एक प्रपोजल भेजा था कि भैया हमको ओबीसी को डिवाइड कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो 27% रिजर्वेशन हमने ओबीसी को दे रखा है इसको आगे डिवाइड करना चाहिए। किसमें डिवाइड करो, कि सर एक कैटेगरी ए हो आपके पास में, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अंदर। क्लास ए के अंदर सबसे ज्यादा ओबीसी की जो बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी में भी जो कई सैकड़ों क्लासेस आती है, जाती आती है, अब उसमें से भी तो ये जानने की कोशिश करो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कौन सी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को क्लास ए में रखो, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो एक को ये क्लास होगी, इसके अंदर एब ओरिजिनल जो सबसे पुराने वहीं के आदिम जो लोग हैं एक एरिया में, जंगल में, है ना, कहीं पहाड़ में, कहीं एरिया में रहने वाले जो नोमैड्स है। नोमैड्स का क्या मतलब हो गया, आपके पास में जो गंतुक है एक जगह से दूसरी जगह पे, सर्दियों में कहीं, गर्मियों में कहीं, अपने कैटल्स के साथ में, अपने पशुओं के साथ में एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होते रहते, अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, या फिर सेमी नोमैडिक्स है, मतलब एक सीजन स्पेसिफिक में वो मूव करते हैं, बाकी जगह पे एक ही जगह पे रहते हैं। तो एबोरिजिनल, नोमैड्स, सेमी नोमैड्स जो है उनको बेसिकली जो है ईबीसी क्लास है इनको सबसे ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाए। फिर आपके पास में है मोर बैकवर्ड क्लासेस जिनको नाम दिया एमबीसी, क्लास बी के अंदर इनको रखा जाए, जो वोकेशनल ग्रुप है, जो गा के बजा के अपनी वोकेशनल स्किल से, अपने हाथ के काम से बेसिकली क्या कर पाते, अपना भरण पोषण कर पाते, यस और नो। वोकेशनल क्लासेस जो है आपके पास में इन लोगों को बेसिकली क्या देते हैं, मोर बैकवर्ड, मतलब ज्यादा बैकवर्ड नहीं पर थोड़े तो है। फिर आपके पास में बैकवर्ड क्लासेस, बाकी सारा ओबीसी आ गया। कंपेरेटिवली मोर फॉरवर्ड, मतलब इन दो से एक्सट्रीमली और मोर बैकवर्ड से ज्यादा ये क्या है, फॉरवर्ड, थोड़ा उनसे बेटर कर रहे हैं। तो बोले खाली ओवरऑल ब्लैंकेट ओबीसी रखने की बजाय इसको डिवाइड कर दो। किसने बोल दिया, 2015 में बोल दिया। किसने बोल दिया, एनसीबीसी में बोल दिया। तो 1993 में बनी थी स्टैट्यूटरी बॉडी, फिर 102वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी कुछ वर्षों पहले इसको संवैधानिक निकाय बता दिया गया। कमेंट करके बताओ किस वर्ष के अंदर जो एनसीबीसी को यहां पे एक संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की पावर दी गई थी, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई होप ये पूरी की पूरी व्यवस्था आपको पता चली होगी, राइट। विद दिस बीइंग सेड, हमने क्या जानने की, सीखने की कोशिश की है कि सर आपके पास में ईडब्ल्यूएस क्या है। ईडब्ल्यूएस के बाद में हमने पूरी की पूरी व्यवस्था जानी इस माइंड मैप के थ्रू। एक और चीज जो हमने जानने और सीखने की कोशिश की है कि सर सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी क्या है, ओबीसी की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से जो बैकवर्ड क्लास कमीशन काम कर रहे हैं, कहां से जो है आपके पास में 27% रिजर्वेशन ओबीसी का आया, कहां से इस रिजर्वेशन को वापस सब कैटेगराइज करने की बात की, अभी आइडिया क्या है, इस पे काम कौन कर रहा है, कौन सा कमीशन कर रहा है, कौन से अनुच्छेद से कर रहा है, किसने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, ठीक है ना, कितना कैप लगा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग हमने इसके ऊपर क्लियर करने की कोशिश की। आपका और भी कोई डाउट्स है प्लीज पूछिएगा, और वीडियो के कमेंट के अंदर आप इसको और विस्तृत जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और JJSIPW के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, यू विल बी एबल टू ड्रॉप मी टेक्स्ट डायरेक्टली। थैंक यू क्लास, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, सी यू ऑल।